आ गया, ईद का दिन आ गया, आ गया आ गया, ईद का दिन आ गया, खिल उठे चेहरे सभी खुशियों का दिन आ गया, खिल उठे चेहरे सभी खुशियों का दिन आ गया, आ गया आ गया, ईद का दिन आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद और दिल से खैर से खैर रमज़ान के बाद ईद मुबारक। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आज ईद के पहले दिन आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। आई होप हमारा आना आपके लिए सरप्राइज़ नहीं होगा। थोड़ा सा तुमने आपको बता दिया था कि हम ईद पर भी आपका साथ देंगे। ईद आपकी बखैरियत गुजर रही होगी इस उम्मीद के साथ, और मजीद जो कसर थोड़ी रहेगी उसको हम पूरा करेंगे। वेल, इस ईद के स्पेशल शो के साथ मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अरमिला हसन। उम्मीद करते हैं ईद का पहला दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। रमज़ान आपने भरपूर तरीके से अच्छी रहमतें, बरकतें और बहुत सारी जो कह लें अफ्तारियों के साथ गुजारा होगा। अब बिलाखिर ईद का दिन आ गया है, और जब रमज़ान में आप रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, और उसके बाद आपको ईद का त्यौहार सेलिब्रेट करने का जो कह लें ना मज़ा आता है, वो मज़ा दोबाला हो जाता है। तो आज हमने भी कोशिश की है कि ईद भी आपके साथ गुजारे, क्योंकि रमज़ान तो आपका और हमारा साथ रहा है। तो ईद का पहला दिन भी हमने सोचा कि आपकी टीवी स्क्रीन के थ्रू आपके साथ मनाया जाए, इसको सेलिब्रेट किया जाए। बिल्कुल, और जैसे रमज़ान के बाद चांद नज़र आता है ना, वैसे हमारा पूरे 7 दिन 7 डेज अ वीक करके 30 दिन रमज़ान के, 29 दिन करके, फिर ये होता है कि हमें एक चांद की सूरत में एक ऐसी ट्रांसमिशन करने को मिलती है जिसमें हमें कुछ ऐसे चेहरे देखने को मिलते हैं भाई, जिनको हम सारा साल देखने के लिए, जिनसे बात करने के लिए वी ऑलवेज विश कि हम बैठे हैं कैजुअली गपशप लगे, क्योंकि हम भी समाओ थोड़ा तंग आ जाते हैं रमज़ान की फॉर्मेलिटीज़, फिर उसके बाद पॉलिटिकल शोज़ की अपनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इस सब के बावजूद मैं वंस अगेन एक बात, बल्कि दो बातें, एक तो ये कि अल्लाह करे हमने जितनी इबादत भी की हैं वो हमारी टूटी फूटी इबादत है, हमें मालूम है वो अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कबूल करें और इस रमज़ान के सदक़े हमारी और ख़ास तौर पर हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मुश्किलात दूर करें। और हमारी ज़िंदगियों में मैं अक्सर कहता हूँ कि जो एक क्लेंजिंग की कोशिश की है ना हमने रोज़ों में, अल्लाह करे वो साथ साथ चलती रहे हमारी पूरे साल। और उसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी बात, वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते इन खुशियों को, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी डोमेस्टिक हेल्प हो, अपने इर्द गिर्द के लोग हों, आपके रिश्तेदार हों, जो भी आपको लगता है कि वो ईद की खुशियाँ उस तरह से नहीं मना सकते जैसे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनको ज़रूर अपने साथ अपनी ईद की खुशियों में या वैसे भी याद रखें। चले भाई, बहुत रख लिए रोज़े, बहुत हो गई फॉर्मल बातें, उम्मीद है हम आपका साथ जितना भी देते रहे आपको वो भी अच्छा लगा होगा, कुछ कमी बेशी हुई तो माफ कर दीजिएगा। बगैर किसी तवक्कुफ के जबरदस्त सा पैनल बनाने की कोशिश की है, ईद की इन सातों को खूबसूरत करने की कोशिश की है। मैं तारुफ जब कराऊंगा तो आप कहेंगे भाई वाकई हमें तो मजा आ गया बात करके। अब वो शख्सियात हैं जिनको आप मुख्तलिफ शोबों के अंदर बेहतरीन काम करते देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आगाज करूंगा, मैं नाम ही नहीं लूंगा, आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा कौन है हमारे साथ। वी हैव नन अदर देन शायर हैं, मुफक्किर हैं, लिखते हैं, मेजबान हैं, अब तो हल्के फुल्के सियासतदान भी हैं और सबसे बढ़कर हमारे बड़े भाई हैं, हमारे एक्सप्रेस का हिस्सा हैं। वी ऑलवेज फील लाइक फैमिली जब भी हम शाह साहब से मिलते हैं और जब भी वो तशरीफ लाते हैं। सैयद वसी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वसी शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, आप कैसे हैं? शुक्रिया हसन, शुक्रिया अमला, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और इस बात का भी शुक्रिया कि जो एक्सप्रेस फैमिली है आपने मुझे दोबारा अपने घर पे मधु कर लिया। शाह साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मेंबर सूबाई असेंबली पंजाब, और उसके साथ साथ चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद। और सारा की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इनको रिसेंटली तमगा इम्तियाज दिया गया है, और सारा इससे पहले भी कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं, बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। सारा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक टू यू एज़ वेल, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर लाइवली शो। थैंक यू, थैंक यू बहुत। आपका जो पोर्टफोलियो और जो काम है हमारे दिल के बहुत करीब है, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे आप काम करती हैं, और माशाल्लाह पॉलिटिक्स से हटके इनकी सर्विसेज ऐसी हैं कि उन्हें इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया है। सो इस पे हम इन डिटेल्स बात करेंगे इंशाल्लाह, ऑब्वियसली ईद पे भी बात करेंगे। अच्छा जी, अब मैं फिर नहीं तारुफ कराता, फिर दिखा दीजिए कौन है हमारे साथ। ये वो साहब हैं जिनको इस वक्त जितने कॉमिक शोज हो रहे हैं ये ब्रांड ही हैं, बबू राणा साहब, तो अब इनका क्या हम तारुफ कराएं। माशाल्लाह कॉमेडी तो वैसे ही मेरा भी करवाएं प्लीज, कॉमेडी मैं करा रहा सर, कॉमेडी तो मुझे शोहरत है ही, लेकिन अब इनकी कवाली भी वजह शोहरत है, और मैं इनकी कवाली का भी बड़ा मद्दा हूँ, तो आज हम ना वैसे कॉमेडी के पैसों में कवाली भी कराएंगे थोड़ी सी। भाई बैठे हुए हैं माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, हम बहुत कमाल, मैं जरा उस तरफ तो आ रहा हूँ वो तो आखिर में, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, सबसे पहले आपको ईद मुबारक, और एक्सप्रेस देखने वाले तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और सलामत रहे। आप बता रहे थे मैम को सितारा इम्तियाज मिला है जी,
और मुझे भी सितारा इम्तियाजी सलूक मिला है। इम्तियाजी सलूक जिस तरह मिल रहा है इंशाल्लाह आपको भी मिल जाएगा, डोंट वरी, एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगा। चलिए जी, हमारे साथ अगली मेहमान है, एन एक्ट्रेस, शी इज अ होस्ट, और अभी इनके बहुत सारे ड्रामास हुए हैं, कुछ ऑन एयर भी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पे ये काम भी कर रही हैं, इससे पहले भी हमारी ई ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी हुई है। मेमूना कुद्दूस हमारे साथ मौजूद है। मेमूना, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड यू आर लुकिंग फैब। और ड्रामा जो देखते हैं वो लोग तो वाह वाह पहचान लेते हैं ना फौरन से, है ना, बिकॉज ड्रामास की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है भाई। मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि एक दिन में 24 घंटों के अंदर कोई 17-18 मिलियन व्यूज आते हैं एक ड्रामा की, एक एपिसोड की, उससे भी ज्यादा। कितनी बड़ी खूबसूरत बोली, मुझे लगता है जहाज टेक ओवर करने लगा है। अच्छा, वो जहाज की जो अनाउंसमेंट होती है। जी जी, ऐसे ही। चले जी, अब आ गया वो लम्हा बाबू, टेक ऑफ, टेक ओवर का नाम। अच्छा, टेक ओवर का है, टेक ओवर का है, टेक टेक ऑफ, टेक ऑफ, मैंने कहा टेक ओवर ना कहो, टेक ओवर पे तो बड़ी मसला हो जाएगा, गरीबों को जहाज में बिठाओगे तो फिर इंजी होएगा। अब जनाब, हम जिन मेहमानों का आपसे तारुफ कराने लगे हैं, सबसे पहले तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे पास तशरीफ लाए, इससे पहले भी आए हैं, और खसूसी तौर पे हम जब भी इनको बुलाते हैं ये वक्त निकालते हैं। पाकिस्तान के दो इंतहाई टैलेंटेड, और टैलेंट तो अब छोटा लफ्ज़ रह गया, अब तो लेजेंड की कैटेगरी में शामिल होने वाले हैं, जैन साहब और जुहैब साहब हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह। और इनकी सबसे अच्छी बात यह कि दे आर वेरी यंग, दे आर वे यंगर देन द वर्क दे आर डूइंग, आई मीन इनकी, उसको देखते हुए आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं दोनों में से कोई भी एक पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको, हमारे सीनियर्स को अस्सलाम वालेकुम, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और लिटरली आपको बताएंगे, एक तो होता है ना फॉर्मेलिटी कि उसने तारुफ कराना होता है, कुछ लोग होते हैं जिनका जिनका तारुफ हमारे दिल से निकलता है। आपके साथियों का भी बहुत शुक्रिया, जितने लोग भी हैं आप लोग का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ हैं। सो जनाब, माय डियर व्यूअर्स, हमने कोशिश की है कि हम एक मुकम्मल कलर रखें शो में, तो उसी से हम बाकायदा तौर पर आगाज कर लेते हैं। बिल्कुल बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं, और जो मेहमान है वही बात है कि हम हर ट्रांसमिशन में जब भी हम ये ट्रांसमिशन करते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि वो मेहमानों के साथ आप रिलेट कर सकें, उनसे बात कर सके। तो शाह साहब, सबसे पहले ईद कैसी गुजरती है, और पहला दिन आज हमने आपको यहाँ जहमत दी है, लेकिन उसके बावजूद पहली ईद है पोस्ट मिनिस्ट्री। ओह यस, मिनिस्टर तो क्या फर्क क्या है, पहले तो ये बताइए ना। शाह साहब कोई इमरान यहाँ पे बिल्कुल ऐसे पूछे जैसे शादीशुदा जोड़े से पूछा जाता है कि यार शादी के बाद पहली ईद पोस्ट मिनिस्ट्री कैसी ईद है? वैसे ही जैसे पहले होती थी, यानी कि वो मिनिस्ट्री तो ऐसी एक एक जिम्मेदारी थी कुछ अरसे के लिए, उसको पूरी की और फिर अपने काम पे वापस आ गए। और अलबत्ता बुनियादी क्रक्स वही है जो आपने शुरू में हसन ने और आपने कहा ना कि बुनियादी तौर पे तो देखिए रमज़ान में जो आप रोज़े रखते हैं उसका तोहफा जो है वो ईद की शक्ल में आपको मिलता है जी। और ख़ूबसूरत ईद होती तब है जब आप अपने अंदर की, पूरे साल में हर इंसान के कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं, किसी की ईगो छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, किसी के इख्तलाफात कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि खुदा ने आपको ये एक मौका दिया है, वो जो है ना कि वो रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, कि आज के दिन उन लोगों से जिनसे आपको गिला था, जिनसे आप समझते हैं कि उन्होंने आपसे ज़्यादती की या आपसे कोई गलती हो गई, तो आज एक आपके लिए एक आसानी पैदा होती है ये कह के कि यार आज ईद का दिन है, चलो यार खुदा ने भी कहा है, लोग भी कहते हैं, त्यौहार भी है, आओ पुरानी जो गिले शिकवे हैं उन भुला के और हम गले लग जाएं। अच्छा, आप ये बताइए, एक तो ये कि पहली ईद है आपकी भी बीइंग अ मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, और उससे पहले आप फिलंथ्रोपी के अंदर तो आप जो काम है आपका वो आप कर ही रही हैं, क्या ये ईद मुख्तलिफ है बाकी ईदों से? मुख्तलिफ उस तरह नहीं लग रही मुझे, क्योंकि मेरा हमेशा जो प्रायोरिटी मेरी रही है वो है मेरे ब्यूरो के बच्चे, जो मैं ब्यूरो हेड करती हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, उसमें हमारे पास हज़ारों यतीम, लावारिस, अबैंडन बच्चे हैं, और वो सब मुझे मामा कहते हैं। या तो आई हैव टू गो देयर ऑन ईद, आई मीन, और कभी मैं कुछ सोचूं भी ना कि मैं ट्रैवल कर लूँ ईद पे या कहीं अपने, बिकॉज मेरी फैमिली कराची में होती है, तो मैं प्लान भी करूँ, वो पहले से ही मुझसे पूछ लगते हैं कि मामा आई होप आप हमें छोड़ के जा नहीं रही हो कराची, सो आई कांट, यू नो आई हैव टू बी देयर, तो वो एक मेरा इंटेग्रल पार्ट है, तो उनके साथ जो है वो ईद का फर्स्ट डे सबसे पहले उधर जाना होता है, और बड़ा वो फेस्टिव एक ओकेजन फैमिली। तो सारे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की आप बात करें, वैसे बेतहाशा बच्चे होते हैं, और जैसे आपने खुद भी कहा, अब किस तरह से फेस्टिविटी होती है वहाँ पे, क्योंकि उन बच्चों की ईदें तो जाहिर है उनकी अपनी क्लोज फैमिलीज तो उनके साथ नहीं होती हैं, तो दे कंसीडर यू एज फैमिली, तो उनके साथ ईद पे किस तरह से आप सेलिब्रेट? एक तो हमारा रमज़ान भी बहुत हैपनिंग होता है, रोज इफ्तारियाँ, एंड आई मेड श्योर कि हर अल्टरनेट डे मैं उनके साथ इफ्तारी करूँ, एंड दे ऑल्सो रियली इन्जॉयड इट, एंड उनकी आंखों में जो खुशी होती थी ना वो मैं एक्सप्लेन ऑनेस्टली कर नहीं सकती। ईद पे हम ये कहते हैं चांद रात पे पहले स्टॉल्स लगते हैं, मेहंदी, बैंगल्स, सब कुछ जी, खाने पीने के, तो वो पूरी रात ही उठे रहते हैं, वो
उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, लड़कियां मेहंदी लगा रही होती हैं, वहाँ पे सब कुछ हो रहा होता है. उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह फिर वापस वहाँ पे कुछ खाने पीने के स्टॉल्स लगते हैं, जंपिंग कासल होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग, दूसरे लोग आके विजिट कर रहे होते हैं, बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं. द बेस्ट पार्ट इज दे लव टू डांस, सो वी गेट अ डीजे इन एवरी सेंटर, डांसिंग फॉर एवरीवन, यू नो, गर्ल्स अपना अलग, बॉयज अलग. So we keep it like an open thing and they can do whatever they want. That's really great. हमें खुशी ये भी है कि एक आप जैसा शख्स सारे मामले को देख रहा है, जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता है, वरना तो किसी को भी लगा दिया जाता है ना, पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट्स होती है और फिर उसका नुकसान हो जाता है. बब्बू भाई द ग्रेट जी एक्टिव हो गए, अल्लाह खैर करे. नहीं नहीं, मैं तो ऐसी कोई आप सियासतदान बोल रहे थे, और करता सी सख्त सवाल होगा. सबसे पहले ईद की रूटीन बनाइए, बताइए आपके फैंस जो है ना वो जानना चाहते हैं कि बब्बू भाई खांदे की नहीं ईद देते. कुछ भी नहीं, ईद की रूटीन बस यही है, आधी दिहाड़ी सौ के लंघ जाती. ओए होए, आधी दिहाड़ी बच्चे. अच्छा नहीं, आपसे मैं चांद रात में क्या मसरूफियत होती, बच्चों के साथ ही या चांद रात को भी रिकॉर्डिंग चल रही है और भाभी फिर फोन करके कह रही आज ते आ जाओ, आज ते का मोस्टली तो रिकॉर्डिंग ही चल रही होती चांद रात. भाभी इंजी कह रही होती जिवें तुसीं नहीं कह रहे. हां की ला फीलिंग आ रही तुहानू? मैं जरा तमीज नाल कह रहा हूं. बहुत अच्छे ते ओ बस फिर सारा दिन अगला भी तुसी दुआ करो बब्बू किधर आ ना जाए. ऑलमोस्ट फिर ई तो दूसरे दिन बच्चियां नु लेके थोड़ा घूमी फिरी दा. अच्छा, मूवी देख ले. और क्या रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं या अपने तौर पे? क्योंकि हम अक्सर हम आर्टिस्ट कम्युनिटी, हम लोग जो ऑन कैमरा रहने वाले हैं, थोड़ा आइसोलेशन का भी शिकार हो जाते हैं. हमारा काम इस किस्म का है, डिमांडिंग है, ज्यादा निकल नहीं सकते, आउट स्टेशन नहीं जा सकते. तो आपका भी यही है या आप जाना होता है फैमिली वगैरह में? नहीं, मैं जाता हूँ फैसलाबाद, चला गया अपने भाई इलाके, उत्थे मेरे सारे रिश्तेदार ज्यादातर उत्थे ने फैसलाबाद. अच्छा, फिर जो दूसरा तीसरा दिन दो चार दिन उत्थे रह के फिर वापस अपने, उस बाद काम शुरू हो जाता फिर चल सो चल. अच्छा, चल सो चल. ठीक है ममूना, आप की ईद कैसे गुजारती हैं? ऑब्वियसली आप ड्रामास, टीवी, वो जैसे इमरान अभी कह रहे थे कि टीवी पर्सनालिटीज के लिए बड़ा मुख्तलिफ होता है, जाहिर है कभी कभी शूट्स चल रहे होते हैं, तो ईद पे जो ब्रेक मिलती है उसको कैसे यूटिलाइज करती हैं आप? मैं फैमिली के साथ एंजॉय करती हूँ, कहीं पर भी होंगी आउट ऑफ सिटी मैं फैमिली के पास आती हूँ, और आधा दिन तो सोए हुए ही गुजर जाता है, और जब उठते हैं तो मामा ने शीर खोरमा बनाया होता है और काफ़ी चीज़ें बनाई होती हैं, और फैमिली के साथ, सिस्टर्स के साथ एंजॉय करते हुए गुजरता है. आपकी फैमिली इस्लामाबाद में? जी, इस्लामाबाद के बारे में तो कहता है बहुत ठंडा शहर है, ईद पे खाली हो जाता है, तो क्या आप इसका शिकार होती हैं या ऐसा नहीं है? इस्लामाबाद ठंडा शहर? अच्छा, ठंडा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, जिनके पास कंपनी नहीं है जो आउट ऑफ सिटी से हैं, जाहिर है उनको बोर लगता होगा, हमारे पास कंपनी भी है, हमारे पास घर है, हमारे पास सब कुछ है, स्पोर्ट्स का भी पता है, तो हमारे लिए बोरिंग नहीं होता. आप लोगों की ईद कैसी गुजरती है, अपनी ईद की रूटीन बताएं, दो के माशाल्लाह तो आप लोग खासे बिजी होते हैं, हम देखते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, लेकिन स्टिल कैसी गुजरती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ईद यही होती है कि कोई ना कोई शो आ जाता है, हमें कोई ना कोई बुला लेते हैं, तो हमारी खुशियाँ अक्सर लोगों के साथ ही होती हैं, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी चीज़ हो. हालांकि हमारी फैमिली को बड़े गिले हैं इस चीज़, लेकिन जाहिर है हमारा काम है और हमें लगन भी है इसी काम से, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी हर खुशी अकेले नहीं होती, सबके साथ, सबके साथ ऑन स्टेज ईद मना रहे. अच्छा, मैं अक्सर मसरूफ़ फनकारों से ये सवाल करता हूँ कि जब आप मसरूफ नहीं होते ना तो हमें मसरूफियत चाहिए होती, हमें काम चाहिए होते, लेकिन जब काम बढ़ जाता है, अल्लाह की रहमत ही है काम का आना, तो फिर हम कहते हैं कि अब थोड़ी फरागत चाहिए. तो अब जितनी मसरूफियत है ये बहुत है या ज्यादा मसरूफियत चाहिए या आप थोड़ी फरागत भी चाहिए, कैसा क्या फील है? अभी ये है कि मसरूफियत तो जहाँ शुक्र मालिक का करना चाहिए, जितनी भी हो वो कम है, कम है, तो लेकिन कभी कभी रेस्ट करने को भी दिल करता है यार, कभी रेस्ट करते हैं तो तब भी दो चार दिन ज्यादा एक्स्ट्रा मिल जाए. मुझे लगता है आर्टिस्ट को फिर भी होते हैं कि अब ज्यादा देर फारिग बैठ गए, एक दिन चाहिए होता है, एक दिन चाहिए होता है, रिचार्ज पूरी हो जाती है, बैटरी चार्ज हो जाती है. जबरदस्त, क्या बात है. और नए किस किस्म की म्यूजिक पे काम हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है, नई क्या चीज कर रहे हैं जो आने वाली है? बहुत से एक्सपेरिमेंट्स भी चल रहे हैं भाई, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई ना कोई नई चीज है, तो हमारा बेस कवाली, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी नई यूथ है, नई जनरेशन है, उनको भी एंगेज करने के लिए इस चीज के साथ, तो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. अब भी आने वाले दिनों में आपको एक दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजें शायद आपको लगे हमारी तरफ से, लेकिन कोशिश यही है कि किसी तरीके से उनको एंगेज रखें ताकि वो सुन के वो असल की तरफ भी आए. क्या बात है. वैसे तो हमें आपसे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि जब भी आपका कोई नया
कोई भी सॉन्ग आता है, कोई भी कवाली आती है, लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं, माशाल्लाह आप यूथ को बहुत अच्छे से एंगेज करते हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग, जिन आर्टिस्ट के साथ आप कोलैबोरेट करते हैं, चाहे उनका नाम बड़ा भी हो, डोमिनेट आप ही करते हैं। रब की रहमत के बगैर शाहजी, ये बड़ा अच्छा एक चेंज है हमारी यूथ के अंदर। मतलब पहले तो कवाली हो गई या फोक म्यूजिक हो गया, उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड, थोड़ा बैकवर्ड समझा जाता था। अब माशाल्लाह इन आर्टिस्ट के बगैर कोई म्यूजिकल इवनिंग नहीं होती, कोई शादी मुकम्मल नहीं होती, कोई बड़ा इवेंट नहीं, कोई अवार्ड शो नहीं होता, तो ये कैसा चेंज है वैसे? मैं ऐसे थोड़ा सा, चूँकि मैं इसी शोबे का तालिबिन रहा हूँ पिछले 15-20 साल से, मैं थोड़ा सा आपसे से इख्तलाफ करूँगा। कवाली इस खत्ते में हमेशा बड़ी पॉपुलर रही है, और यानी कि हमेशा, यानी कि मुझे याद है मैं जब 1954 में हम नुसरत अली खान साहब से पहले भी, जो उनके बुजुर्ग थे और दीगर वो लोग थे, उनको हम हमारे पूरा हेली कॉलेज पूरे सब हम सुना करते थे। नुसरत साहब ने ये किया कि उसको आपकी सरदों से बिल्कुल बाहर निकाल दिया, और गैर मामूली पजीराई जो है उनकी वजह से पूरी दुनिया में उसकी हुई। और फिर यकीनन अब ये इन लोगों ने ये किया कि फिर उसी लेगेसी को ये आगे लेके चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कवाली का पहले भी एक वो था। अलबत्ता ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर नुसरत साहब ने जिस मकाम पे उसे छोड़ा था, अब ये जैन और ये वगैरह, ये जहाँ से उसको लेके चल रहे हैं, अगर इसमें ये जो मॉडर्न फ्यूजन और ये जो तब्दीलियाँ इन्होंने नहीं की, तो फिर वो स्टेल हो जाती है। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया कि ये उसको एक स्टेप मजीद उसको आगे लेके चल रहे हैं। तो ये इस बात का इनको क्रेडिट है। बबू मैं गलत कह रहे हैं? सर तो सही कह रहे हो। उन्होंने जो सवाल से ना अब असन भाई का, वो ये कह रहा चाह रहे थे कि जब शादियाँ थे इवेंट्स शुरू हो गए थे क्वाली, जी पहले नहीं होता था, पहले नहीं होते थे, ये बहुत अच्छा है, यानी कि हम अपने असल की तरफ वापस आ रहे हैं। अब तो हर सूफीज्म कवाली डे, कवाली इज बिकम अ कूल थिंग एज वेल, यस, उसमें तो ये सूफीज्म की तरफ हम वापस आ रहे हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली बबू साहब का भी माशाल्लाह अपना कवाली बैंड है, बड़ा मकबूल है, बहुत जबरदस्त है, हम इनको खुद सुन रहे हैं, माशाल्लाह हमारे साथ अच्छा काम कर रहे हैं। आर्टिस्ट का हजूम है हमारे पास, हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से सिलसिला जोड़ेंगे और कवाली सुनेंगे भी इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। आपका वक्त हमारे साथ अच्छा गुजरे, ईद मुबारक आपको और हमारे साथ रहिए। मस्ते विला दरम दम हमदम यली यली हर दो जहां से दिल बरम दम हमदम अली अली। ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਸਖੀ 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 ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਸਖੀ 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 ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਸਖੀ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਸਖੀ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਏ ਕੋਈ ਗਮ ਦਰੀਯਮ ਹੈ 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 ਦਰੀ ਹੈ ਦਰੀ ਹੈ ਦਰੀ ਹੈ ਦਰੀਯਮ ਹੈ ਦਰੀਯਮ ਹੈ ਦਰੀਯਮ ਸਦਮ ਦਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਦਮ ਦਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਦਾ ਮਸਤ 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 ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
दम दम फिरद है साजा के हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुवे जे नयद धादम हैदरियम 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 मस्त मलंग कलंदर दे साढ़े थे रब दा हास करम है दरियम लाया है किसकी निस्बत तो कह दूंगा मैं साफ हूं से के सुन लो जो है दरियम सुभान अल्लाह भाई कमाल मनकबत भी बहुत कमाल है कॉम्पोजिशन भी बहुत कमाल है और फिर बराह रास्त अगर सुनने का और ईद के मौके पे सुनने का मौका मिल जाए तो बहुत कमाल। आपको कैसा लगता है जब इतना ज्यादा अच्छा रंग जम जाता है एक जगह पे, क्योंकि ये भी तो बड़ी बरकत की बात होती है ना कि आपने कुछ गाया और एक एक रंग जम गया बन गया, कैसा फील होता है? पहली बात तो ये है, ये जिक्र ही इतना पाक है और इतना इतना असर है इस चीज में कि जहाँ भी हम पढ़ते हैं, जहाँ भी हमारा तो कोई कमाल नहीं है, ये उन्हीं की देन है, उन्हीं का जिक्र है और वो खुद ही वारिस होते हैं, बस हम पढ़ देते हैं और आपको मजा आ जाता है। तो ये वो कैफियत जो है मौला के नाम में, जो वो शायद हमारी तो इतनी बसात औकात ही नहीं है कि इतना बड़ा नाम ले सके, तो वो खुद ही कर्म कर देते हैं और अपने नाम के भरम रख लेते हैं। हमेशा बुलंद रहे और हम इसका किसी न किसी वजह से जरिया बनते रहे, अल्लाह मौला हमसे कराते रहे। कुछ कह रहे नहीं, मैं बस ये जो मैं लुत्फ ले रहा था इनकी जो इनकसारी और आजजी है और उस इनकसारी और आजजी में जो खुलूस था, मैं बस उसका लुत्फ ले रहा था, उसकी दाद दे रहा था। क्या बात, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत। बब्बू भाई कैसा लगा? मैं तो उनको पहले कह चुका हूँ कि मैं इनका सब्सक्राइबर भी हूँ और मैं इनका फैन भी हूँ और माशाल्लाह आजकल ज्यादा वैल्यूएबल होना सब्सक्राइबर होना है। ये उससे ज्यादा चीजें जुड़ी होती है, इनकी हर चीज जो नहीं आती मैं देखता हूँ, सुनता हूँ उसे और एंजॉय करता हूँ। हम बहुत आपके फैन हैं, आप नहीं, आप सब बहुत अच्छे हैं, सीनियर्स हैं हमारे, तो हम सब आप सबके फैन हैं माशाल्लाह। दोबारा भी आते हैं सुनते हैं। सो आप बताइए, म्यूजिक से वाबस्तगी है, दिलचस्पी है, सुनती है या सिर्फ सियासत और काम चलता रहता है? नहीं नहीं, वो म्यूजिक जो है दैट्स अ स्ट्रेस रिलीजर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सियासत और जो काम है उसके उससे ब्रेक के लिए म्यूजिक बड़ी जरूरी होती है। तो रास्ते में आते जाते आई डू लिसन। हु डू यू लिसन टू बाय द वे? सो आई लिसन टू इंग्लिश। इंग्लिश सुनती? इंग्लिश में किसको सुनती है ज्यादा? सी मिक्स्ड इंग्लिश में पुराने सुनती हूं, एबा। अच्छा, वाओ, उससे पहले के। अच्छा, जबरदस्त, लाइक दिस सॉन्ग्स, लव वो सुन रही होती हूं। एंड बाकी हमारे तो आपको पता है जैसे आतिफ असलम, राहत फतेह अली। मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला तो हमारा जारी रहेगा लेकिन हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए दिल से खैर से ईद मुबारक। वेलकम बैक, दिल से खैर से ईद मुबारक। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद है। गप्पों का सिलसिला सिर्फ ऑन एयर नहीं जा रही, ऑफ एयर जा रही है। अक्सर तुम्हारा बहुत अच्छा कंटेंट ऑफ एयर आया होगा, ऑफ एयर ज्यादा अच्छी गप्पे लग जाती है हमारी, लेकिन चलें आपके साथ। एंड ट्रस्ट मी, इट फील्स लाइक अ फैमिली। थैंक यू वेरी मच अगर आप हमें देख रहे हैं, और ये भी उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी है। पकवान शकवान घर में अगर बने, खाने की ईद होती है, मीठी ईद होती है, जरा हाथ होला रखिएगा, गुजारिश है, पेट आपका बना है। हमारे पास एक गेम है जी, छोटी सी वैसी फसेक ऑफ शोगा लब ने रखी है, तो हम अपने मेहमानों से थोड़ा इनको इंगेज कर लेते हैं। इसके अंदर गेम है जनाब, कुछ शख्सियात के नाम शाह जी आपके सामने लेंगे हम,
और इन शख्सियात के हवाले से आप हमें ये बताएंगे कि इनको क्या एक काम है जो नहीं करना चाहिए था। अच्छा, सो प्रेफरेबली आपके लिए मैं पॉलिटिशन ही रखूँगा चूँकि आपका ताल्लुक ज़रा सियासत से भी और पॉलिटिक्स के मैदान से भी है। तो सबसे पहले शख्सियात मशहूर हैं, इनको एक क्या काम है जो नहीं करना चाहिए था? राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह साहब को क्या काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था? एक यार, राना साहब का ठीक करियर रहा अपना, ये हर हवाले से बड़े विटी आदमी हैं, सीजनड पॉलिटिशियन है, और राना साहब को क्या, ये तो राना साहब ही बता सकते हैं कि कंटेंट दे ना, कंटेंट दे, एक एक लाइन तो बोले कि राना साहब ये नहीं करना चाहिए था। आप बोलते ना उनको जुगत नहीं करनी चाहिए। फैसलाबादी ने कभी नहीं करता। हाँ, राना साहब ही दस सकते ना कि उन्होंने की नहीं करना चाहिए। मरियम नवाज, मरियम नवाज साहबा को क्या नहीं करना चाहिए था? पॉलिटिक्स क्या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या था, दोनों में से कोई एक ऑप्ट करिए। अब उनको क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल में उनको आराम नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आराम कर रही हैं, मेरे ख्याल में उनको आराम नहीं करना चाहिए। और जो जिम्मेदारी इस वक्त उनके ऊपर है, उनको 24 घंटे यानी कि मेहनत करके ये साबित करना चाहिए कि वो इस जिम्मेदारी के अहल हैं, ताकि सूबे की और मुल्क की, यानी आपने उनको कहा कि वो उस्मान बुज़दार साहब की तरह काम करें। ये आप कह रही हैं? चले आज क्लास टू में शाह साहब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा शाह साहब, शेख रशीद अहमद साहब को क्या काम नहीं करना चाहिए था? यार कभी इसका मौका नहीं मिला, मगर मुझे शेख साहब के एक बयान पे बड़ा हमेशा अफसोस रहा, बहुत अफसोस रहा, बहुत अफसोस रहा। उन्होंने एक मौके पे कहा कि जब यहाँ पे जब एटॉमिक बॉम्ब का जब तजुर्बा हो रहा था, तो मैं तो निकल के मैं दुबई चला गया, ठीक है ना। मेरे ख्याल में ये काम उन्हें नहीं करना चाहिए था। इधर ही जब अपने मुल्क में कोई मसला होता है तो लोग सारी दुनिया से अपने घर की तरफ लपकते हैं, ठीक है ना, कि ये मेरा घर है, मेरा जीना और मरना यहीं पर है, ये कोई बात नहीं है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है। बाकी भी उस वक्त जो भी आबादी थी 12 करोड़ 14 करोड़ वो भी तो थे ना, वो भी तो थे जो उस मौके पे गए, जिन्होंने बटन दबाया, उनकी भी जिंदगियां थी। तो आप पॉलिटिशियन थे, आप रहनुमा थे, आप ये कैसे कह सकते हैं जब उस मुल्क में इतनी बड़ी इतनी हैपनिंग होने जा रही है, तो तुसी कहते हैं और फख्र से आप कहते हैं कि मैं चला गया। अब जिस शख्सियत के बारे में पूछूंगा उसको आप सबसे ज्यादा जानते हैं, ये मेरा दावा है, सैयद वसी शाह को क्या काम नहीं करना चाहिए था? मुझे यार बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं सोचता हूँ ज़िंदगी में अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं अपने आप को बेहतर करूँगा, उन्हें बेहतर तरीके से। वन थिंग दैट यू थिंक दैट नहीं करनी चाहिए थी, कोई चीज़, एनीथिंग? मैंने तो आप बताया ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कोई एक? यार बस मेरे ख्याल में कुछ चीज़ों को इस किस्म का जो बब्बू कह रहे, मगर मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं भी इंसानों की तरह इंसान हूँ और मैंने भी बहुत सारी जिंदगी में गलतियां की, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं अंडू करना चाहूंगा, जो डिलीट करना चाहूंगा, जो दोबारा नहीं करना चाहूंगा। एक आप बता, मगर आपको नहीं बताऊं एक। अच्छा सारा, आपके सामने भी हम कुछ नाम लेंगे क्योंकि आपका ताल्लुक भी पॉलिटिक्स से है, तो आपने उन सियासतदानों के हवाले से कहने कि क्या कोई काम उन्होंने नहीं करना चाहिए था या अभी वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो, अच्छा अभी आई एग्री विद हिज पॉलिसीज, उनकी जो अप्रोच है इट्स वेरी पॉजिटिव। पहले मैं पास की बात करूँगी कि अपोजिशन को जो नेगेटिविटी होती है ना यहाँ पे, मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि दैट्स रॉन्ग, अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना चाहिए। वन लाइनर, वन लाइनर, गेम इज वन लाइनर, वन लाइनर, इन्होंने भी लंबी बात की है, हम भी पसवाना चाहते हैं। चले चले आप वन लाइनर। अच्छा हां, बस बिलावल साहब को एक काम जो नहीं करना चाहिए, हां ऑपोजिशन को कुछ भी टारगेट नहीं करना चाहिए, टारगेट ठीक है। जहांगीर तरीन को क्या नहीं करना चाहिए था? जहांगीर तरीन को उनको जहाज में पेट्रोल नहीं डलवाना था। मैं की बहुत इज्जत करती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि क्या चीज़ नहीं, ये आपने गुगली फेंकी है जी, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, और मेरी पार्टी के सीनियर भी हैं। आई थिंक उनको IPP जब स्टार्ट की थी, आई थिंक वो उस वक्त वो फैसला बनाने का वो ज्यादा सोच के नई पार्टी नहीं बनानी चाहिए, उन्होंने छोड़ दी नो, एंड वी आर वेरी सैड अबाउट इट। तो जी वो पहले पार्टी सोच के बनानी चाहिए, आई एम नॉट सेइंग नहीं बनानी चाहिए थी, सोच के बनानी चाहिए, बिकॉज़ ही वाज द पेट्रियट एंड ही वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्टी राइट, तो वो कुछ सोच के जो है ना वो फॉर्मुलेट करनी चाहिए। अलीम खान, आई थिंक अपनी टीम को साथ लेके चलना चाहिए हमेशा। ओके, आप ये कहना चाह रही हैं कि अलीम खान साहब टीम को साथ लेके नहीं चलते? अच्छा
शाह जी ने खुद हमें जवाब नहीं दिया, अब आपसे निकलवा रहे हैं, इनके अंदर का एंकर जागा हुआ है, मेहमान नहीं जागा हुआ। अपनी टीम को साथ लेके चलते हैं, सबको साथ लेके आपके लिए मौलाना फजल रहमान को क्या नहीं करना चाहिए? मौलाना फजल रहमान क्यों जी, फिर वही गल, फिर वही गल, मैं आ रहा था सोच रही हूँ हलवे का कह दे हेल्प कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान को भी पेटी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, ही शुड या टॉक यू नो बियॉन्ड पेटी इश्यूज एंड टॉक अबाउट इश्यूज जो हमारे सोशल इश्यूज एंड क्या वो कर सकते हैं मुल्क के लिए। या ओके और बबू साहब आप तैयार हैं? जैसे आपने मेरी फील्ड के सवाल कर दिए सर, मैं आप बेफिक्र हैं। हाँ कुछ कह रहे यही करें। अच्छा जी अच्छा, सब तैयार हैं आप? रेडी। एक काम जो नहीं करना चाहिए मुझे चाहिए, अच्छा या चले चाहिए था कर लेते। अच्छा चले, वीना मलिक, उनको एक काम नहीं करना चाहिए वो जो उन्होंने इंडिया में किया। क्या इंडिया में काम ही नहीं करना चाहिए था? नहीं नहीं, आप फिल्टर कर ले, आप बताएं कि क्या कर सालों से बातें कर जैन भाई कह रहे करके दिखाए वे लोग, मैं चलो एक काम जो नहीं करना चाहिए था। फयाजुल हसन चौहान, उनको अमानुल्लाह साहब को 5 लाख का लारा नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि अमानुल्लाह साहब कहते हैं मैंने नहीं देता। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, आफताब इकबाल, उनको भी एक काम जो उनको नहीं करना चाहिए था, उनको अपने काम पे रहना चाहिए था, जो हमारा स्टाइल है यानी कि जो शो का स्टाइल था ना, सियासत में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए थी। और उनको एक काम जो करना चाहिए, आपका चूंकि उनसे ज्यादा ताल्लुक होता है हर इंटरव्यू के अंदर, तो हम इसलिए जरा उनको जरा ये चाहिए कि अपने थोड़ा गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करें, ये उनको करना चाहिए। ठीक है, अली अमीन गंडापुर, उन्होंने कटिंग करवानी चाहिए थी कराती जिन्होंने करवानी थी, और फिर बद गए फिर करा देनी चाहिए जी, कटिंग करा देनी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो जी, अब मैमुना की बारी है। मैमुना, अब हम आपकी फील्ड से रिलेटेड पूछें आपसे, सियासतदानों के नहीं पूछेंगे। टीचर मैंने सही जवाब दिया, सियासतदानों का बहुत अच्छे जवाब दिए सर आपने, बहुत सियासतदानों के बारे में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सिंपल जवाब दूंगी, पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, महविश हयात, बोटॉक्स नहीं करवाने चाहिए? ओप्स, ओके ओके। आयशा उमर, आयशा उमर ओवर स्टाइलिंग, ओवर स्टाइलिंग नहीं करनी। सज्जल अली, सज्जल अली, सज्जल अली सही है, सही है। उनको क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? आज से शादी? हाँ, आज से शादी नहीं करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए। ओके, मथीरा, मथीरा ओवर बॉटम, पैदा नहीं होना चाहिए, पैदा नहीं होना चाहिए। आपने जवाब नहीं देने, प्लीज आप आगे खुदा का नाम है जवाब। जी जी चले, आप अपना जवाब दे, मैं बस आ गया तो रोका नहीं मैंने। आपका यही जवाब है? मेरा भी यही जवाब है, लगेगा आपके वाला है। अच्छा ठीक है, सना जावेद, सना जावेद शादी को मजाक नहीं बनाना चाहिए था। शुएब मलिक, शुएब मलिक उनको भी शादी को मजाक नहीं बनाना चाहिए था। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चैलेंज जी, आई होप कि आपको ये सिलसिला हमारा पसंद। शाह जी कुछ और आपसे अगर कहीं तो ऑप्शंस हैं मेरे पास, मैं पहले टफ टाइम लेना चाहिए। जैन जोहेब से अब आएंगे, जैन जोहेब से आएंगे, बिल्कुल अब उनसे जवाब चले लें जी, जैन जोहेब से। अच्छा, अब हम कुछ सिंगर्स के नाम लेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि आप कौन, क्योंकि हमें आपका अंदाजा है कि आप कंट्रोवर्सी में तो पड़ेंगे नहीं, तो इसलिए आपसे कहेंगे आप घुमा फिरा के जो भी पसंद का जवाब है। बिलाल सईद, क्या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए था या क्या नहीं करना चाहिए था? क्या नहीं करना चाहिए बता दें। बिलाल सईद भाई, उनको अपने वो जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं। कौन सा सिंगर है जिसको इस वक्त गाना नहीं गाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जिसको लगता है कि वो नहीं गा सकता? प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता नहीं ना। अच्छा, अब एक सवाल मेरा, चाहत फतेह अली खान, उनको सिर्फ चाहत, उनको अपने नाम के साथ ना सिर्फ फतेह अली खान हटा, ये बात हटा देना चाहिए, बाकी वो बहुत अच्छे हैं, चाहत रह जाए पीछे। हाँ, चाहत फतेह अली खान, उनको मैं भी ना सिर्फ चाहत कहता हूँ,
अच्छा क्योंकि जुगत का भी खान का नहीं दिल करता नहीं क्योंकि दोनों जुगत भी करनी होती ना मेरा बुड्ढे संडे का मुंह होना इस बात हम ब्रेक लेंगे हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे आप देखते रहिए दिल से खैर से ईद मुबारक बात है कि सेट पे मौजूद हर शख्स चाहे वो ऑन कैमरा है या ऑफ कैमरा है सब इतनी
जो कह लें ना शौक से सुनते हैं इनको और इतना अच्छा ये माहौल यहाँ पर बना दिया है। क्या बात है। टीवी स्क्रीन पे आपको जितना मजा आ रहा होगा उससे डबल मजा हमें सेट पे लाइव सुनते हुए ने आ। और बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनकी आप स्टूडियो रिकॉर्डिंग जो सुनते हैं और जो जिनकी आप लाइव रिकॉर्डिंग सुनते हैं वो एक जैसी होती है। ये ज़ैन ज़ुबैर साहब जब शुरू करते हैं इनका स्केल माशाल्लाह लाइव में वैसे तो कवाल जो होते हैं उनका स्केल ऊपर होता है लेकिन इतनी परफेक्शन है माशाल्लाह ये बहुत कम। लेकिन पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी जरखेज़ है भाई, बहुत कम लोगों को मिला है और पाकिस्तान में तो खैर लोग हैं ही। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह मे गॉड ब्लेस यू। आप ऐसे ही गाते रहें और ऐसे ही हमें ऐसे सुनाते रहें। शाह साहब हम ईदियों का जिक्र करें थोड़ा सा लाइटर इन पर रखते हैं। व्हाट डू यू कुक, हैव यू एवर कुक्ड समथिंग हमारी भाभी के लिए? और मैं आपकी देखता रहता हूँ ट्रैवलिंग भी आप करते रहते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा होगा कि आज मैं आपको कुछ बना के ट्रैवलिंग में? तो वो भी कुक नहीं करती है। अच्छा, नहीं कोई खास होता ना, खास मौका आ गया या वैसे? नहीं मैं जिंदगी में मुझे कुछ मुझे भी मैं किचन में कभी नहीं गया, कुछ मेरे दाखिले पे भी पाबंदी है। क्यों? बस वो चीनी खा जाते दाखिले में पाबंदी क्यों है, इस बात का मैं जवाब चाहता। भाई वो बेगम का ख्याल ये है कि मैं फिर वो होता ना कि भाई ये कुछ कुछ ना कुछ भी यहाँ पे चलाना चीज ठीक नहीं है, तो कहती आपका जिंदगी में कभी कुछ नहीं बनाया यार। वो एक जमाने में ना इसी तरह का एक प्रोग्राम होता था, उसके लिए एक कुछ चीज बनानी थी। अच्छा, तो वो अंडा क्राइसिस एक चीज थी, वो हमने बनाई थी। बिल्कुल कभी भी नहीं बनाई। अलबत्ता खाने के हवाले से, यानी कि जिसे खुश खुराक हम कहते हैं, जो खाने का टेस्ट जिसका, यानी कि वो बहुत ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा नहीं खाता, मगर ये है कि खाने के जायके के हवाले से खुश खुराक और खुश जायका खाना, मतलब वो अच्छा पहचान है आपको उस खाने की? मेरा ख्याल है काफी काफी, अगर नहीं हो तो मैं बहुत कम खाता हूँ, छोड़ देता हूँ खाना, लेकिन अच्छा होना। सारा आप कुकिंग करती हैं? बिल्कुल, मुझे कुकिंग का शौक है, बस टाइम बहुत कम मिलता है टू डू इट, लेकिन आई स्टिल डू इट व्हेन आई गेट। किस तरह का खाना बनाती हैं? मैं बना इटालियन, जापानीज, थाई। मेरे हस्बैंड देसी नहीं खाते, तो मैं उनके लिए वंस अ वीक अभी भी ये सब जो है ना जो कॉन्टिनेंटल ऑल दैट ये बना रही हूं। इटालियन नहीं नहीं पाकिस्तानी है, बट वो लेकिन खाते हैं, टेस्ट इटालियन खाते हैं, उनका टेस्ट सबसे अच्छा। मैंने संजीद भी से पूछा, शायद जो आपने कहा ना इटालियन जापानीज, मैंने कहा शायद यहां से नहीं। नहीं नहीं, सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? सबसे अच्छा मैं एक डिश का नाम बताऊं? जी जी, डिश का नाम। ओके, सो देयर इज दिस डिश हम बनवाएंगे नहीं, सिर्फ पूछेंगे। ठीक है, चिकन कॉर्डन ब्लू। ओके, सो आई मेक दैट वेरी वेल। तो मेरे इन लॉज में भी कोई दावत होती है तो दे रिक्वेस्ट मी कि मैं वो भी कराया तो बताएं आप सिर्फ खाने के हद तक बातों के अलावा क्या बनाते हैं? नहीं मैं बातों के अलावा पागल बनाता हूँ। अच्छा, किस किस को? किसी को नहीं, किसी को नहीं। अच्छा, तो ये है कि खाना बना लेता हूँ मैं, सही फिट फाट वाला बना लेता, छोटा यानी कि मटन। क्या बात है, वाह। और छोटा छोटा देखो कितनी दिल ना लाए और उसके ऊपर अदरक गार्निश किया हो। क्या बात है, मैं थानू मार के जाना है। जी लग रहा है सानू, बिल्कुल यकीन है। तो दाल मैं बनाता हूँ मसूर की, बहुत अच्छी। अच्छा, मेरी वाइफ कभी कभी खा के लोग ये तो नहीं कहते ये मूंग और मसूर की दाल? नहीं ये पहले कहते थे, अब नहीं कहते। हाँ, मेरी वाइफ कभी कभी कहती है दाल तो बनाओ। अच्छा, बंदा मशहूर हो जाए ना वैसे ही लोगों को चीजें अच्छी लगती है, कोई नहीं कहता कि बुरी बनी है ना? नहीं नहीं वो तो सच्ची कहती है। तो किस दिन आपको खिलाऊंगा वाकई, हरिया मिर्चा साबत छड़िया ने, वो तो एडा मोटा देसी घ्यो दी लेर और बात जो। हाँ जी, मैं पेपर लेके आया यार, लिखवा लेते हैं। स्टाम्प पेपर लाए जल्दी से। मैं बोला बड़े पतीले में बना के माशाल्लाह। अच्छा, मैं फिर बेच के आता हूँ। तो फिर शाम को उस पैसों से बाहर से रोटी दिखाते हम। अच्छा, दाल बना के बेच के और बाहर से खाना। जी माशाल्लाह। आप क्या बनाती हैं? मैं पागल ही बना लेती हूँ, मैं बना लेती हूं। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे को बना के जरा दिखाएं, हमें शक हो रहा है कि कौन सही। आप दोनों पागल बना सकते हैं, खाना भी अच्छा बना लेती हूं। खाने में क्या अच्छा बनाती हैं? सब कुछ ही बना लेती हूं मैं, बट पुलाव और चिकन कढ़ाई आई थिंक। मुझे पुलाव ज्यादा पसंद है। अताइयां वाली चीज हां, चिकन नहीं, खाना तो खाना होता है। अताइयों वाला क्या होता है खाना, मतलब सुरचे होता है खाना? नहीं वो देखे ना, छोटा कहा था तो पूरे सेट की एक दवा। ये तो है नहीं, कोई भी चीज जो अच्छी होती है ना जी, उसमें एक सुर और एक रिदम होता है, उसका एक रिदम होता है।
क्या बात है, ठीक है चलें जबरदस्त हो गया। तो सबसे अच्छा क्या बना दिया मेमुना बाय द वे? पुलाव बना लेते पुलाव बना लेते यखनी वाला, यखनी वाला पुलाव। मुझे मटन पुलाव ज्यादा पसंद है। अच्छा मटन। तो आपको कितना अर्सा हो गया काम करते हुए अब तक इंडस्ट्री के अंदर, ड्रामा में खास तौर पे? मैंने 2017 में ज्वाइन किया था और अभी आई थिंक 6 साल हो गए। सबसे बुरा तजुर्बा किसके साथ रहा काम करने का? फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज नॉट गुड। किसके साथ था, किसका प्रोजेक्ट था? इजाज़ असलम का प्रोजेक्ट था। अच्छा, आपका अच्छा तजुर्बा नहीं रहा? नहीं, इजाज़ असलम के साथ अच्छा रहा है लेकिन नीचे की टीम एज अ प्रोजेक्ट अच्छा नहीं रहा। और सबसे ज्यादा अच्छा किसके साथ रहा? मैं सेवन स्काई के साथ कंटिन्यूअसली काम कर रही हूँ। सेवन स्काई तो सभी आपके अच्छे रहे, अब्दुल्ला कादवानी साहब, ठीक है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनके, इसमें कोई शक नहीं है। और हम इस पॉइंट पे ब्रेक लेंगे, बिल्कुल हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए दिल से खैर से ईद मुबारक। दिल से खैर से ईद मुबारक, आप हमारे साथ हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन लम्हात के अंदर अच्छे से ये लम्हात गुजरें आपके साथ, ईद आपकी ज़्यादा बोरिंग ना हो हमारे साथ, और टीवी स्क्रीन से कम अज़ कम आप कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट ज़रूर लें। म्यूज़िक भी हमारे पास ज़बरदस्त किस्म के मेहमान भी हैं, गेम हमने मुख्तलिफ रेडी किए हैं, एक और हमारे पास बिल्कुल तैयार है। उससे पहले चूँकि सैयद वसी शाह साहब हमारे साथ हों, ईद का मौका हो और शायरी ना हो ये हो नहीं सकता, तो शाह साहब जरा कुछ हल्का फुल्का अगर अता हो जाए ईद की मुनासबत से हो तो और भी अच्छा है, अदरवाइज भी बहुत अच्छा है, जो भी आप अता करें। यार ईद की मुनासबत से डायरेक्ट तो नहीं, मैं आपको रोमांटिक सीख जी जरूर सुना देता हूँ। लड़का है, एक लड़की है, एक रह गुजार है रास्ता सफर। ओके, लड़का है, एक लड़की है, एक रह गुजार है, तीनों में दोस्ती भी बहुत पायदार है। वाह वाह, शुक्रिया। खुद पर है इख्तियार बला का उसे मगर, खुद पर है इख्तियार बला का उसे मगर, मेरे मामले में वो बे इख्तियार है। वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया बबू। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बावकार है। वाह वाह, मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बावकार है। और महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार, महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार है। और पाने के वास्ते मुझे पढ़ती है वो नमाज, पाने के वास्ते मुझे पढ़ती है वो नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार है। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने के वास्ते मुझे पढ़ती है वो नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार है। देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े, देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े, मासूम है बला की मगर होशियार है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत क्या कहने शाही, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबू साहब पसंद आई तुहानू साड़ी वाले शेर की, तुसी खास वाह वाह की थी, की वजह? यार मैं अमरेशपुरी फीलिंग आई है मुझे, ऐसे जैसे बंदा रिलेट कर जाता है ना किसी सीन के साथ, कोई ऐसा मसला तो नहीं है? नहीं मेरे साथ कोई मसला नहीं है। ठीक है, आज मुझे लगता है वसी साहब के आप कह रहे थे लड़ाई ना हो जाए आपके घर में ना हो जाए। चलिए जनाब, हम आप एक गेम है हमारे पास, हमने कोशिश की जी ट्रूथ एंड डेयर, हमारे मेहमान अपनी मर्जी से दो दो ऑप्शन हम इन सबके सामने रखेंगे और आपने करना यह है कि आपने या ट्रूथ, आप कुछ भी एक सच आपसे हम बुलवा लेंगे और हमें उम्मीद है कि आप सच बोलेंगे। चले मैं उन्हें हम आपसे स्टार्ट करते हैं, ट्रूथ या डेयर? पहले ट्रूथ फिर डेयर, नहीं अभी एक ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। ओके ठीक है, घर में कोई चीज टूट गई और उसका नाम किसी और पर लगा दिया गलती करते हुए, अगर आपने ये गलती कर दी है कि आपसे कोई चीज टूटी है तो आपने किसी बहन भाई पे नाम लगा दिया या किसी और पे लगा दिया? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, मुझे मेरी जायज सजा पाने में कोई एतराज नहीं होता कभी। वाह 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 वाह, जबरदस्त, क्या आपने ड्रामे के डायलॉग की शुरुआत, जरा एक बार फिर दोबारा टेक करें जी, मुझे मेरी जायज सजा पाने में किसी राइटर ने देखा जी, मुझे मेरी जायज सजा पाने में कोई एतराज नहीं होता कभी, मैं उसूल परस्त इंसान हूं। अरे वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, लेना तो बाद नाल दे ने चपेट भी मारी थी तुमको, मुश्किल हो जाए आपके लिए, मुश्किल हो जाएगी थोड़ी। चलो जी वन मोर आप करें, मैं करूं, चलें बबू साहब तो आ रहे थे, आए ट्रुथ या डेयर? ना मतलब कि तो मतलब एक अगर ट्रुथ आप करेंगे तो मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा इसका आपको जवाब सच देना पड़ेगा, वरना आप डेयर ऑप करेंगे इसमें से कुछ निकालेंगे उस पे जो लिखा होगा वो करना पड़ेगा। तुसी पहले वाला ऑप्शन अच्छा है, ट्रुथ ऐसे तो दिल करे लिखा और डांस करो करना पड़ेगा वो मैं कर लूंगा, बट अच्छा आपने कहा ट्रुथ जी ठीक है,
हंसी देखो चेहरे दी पहले समझ आ गई। आपने कितने लोगों के पैसे देने? आई थिंक अभी तो किसी के नहीं देने। सच बोल रहे हैं भाई? सच बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हूँ अलहमदुल्ला किसी देने देने। अच्छा पहले हुंदा सी थोड़ा बहुत। अच्छा कौन है जो तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा? कौन है जो मेरे पैसे नहीं दे रहा? हाँ। मैं हमेशा मेरी आदत यही रहती है कि मैं अगर किसी को पैसे दे दूं ना तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये वापस आएंगे। वापस आएंगे। वो कहते हैं ना कर्जे, वो क्या कहते हैं? हंसना। हंसना जी, कर्ज कर्ज दे के हंसना। ये वही बात है। ठीक, तो इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा सारा आपके लिए सवाल है, ट्रुथ और डेयर? ट्रुथ। ट्रुथ, ओके। अगर अपना नाम बदलना हो तो क्या रखेंगे? अगर नाम बदलना हो तो क्या रखेंगे? एक नाम मुझे बहुत पसंद है। I have to tell the name, right? Yeah, yeah. You have to. So there's this name, it's Armin. So I really like it. What? Armin. 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 Yeah. Okay. So change करना है तो वो रखूँगी। तो ये क्यों पसंद है आपको वजह? मुझे लगता है कि मैंने इस नाम की कोई एक्ट्रेस को देखा होगा जिसको मैं आइडियलाइज करती हूँ, मुझे याद नहीं है लेकिन। वैसे तो आर्मेनिया एक मुल्क भी है ना। जी जी। बट मुल्क से ताल्लुक नहीं है मेरी इस लाइकिंग का, ख्वाहिश का। ठीक है। बट आई लाइक द नेम वैसे। ठीक है ठीक है। शाहजी ट्रुथ और डे? जनाब ट्रुथ। ट्रुथ। एक मोहब्बत तो आपकी जिंदगी में है? एक मोहब्बत क्या? एक मोहब्बत तो आपकी जिंदगी में है, हमारी भाभी की। हाँ हाँ, एक ही मोहब्बत। एक ही मोहब्बत, एक ही मोहब्बत। ठीक है। अगर किसी और से हो, किससे हो सकती है? इम्कानात अबुल तो होगी नहीं, और अगर होगी तो उसी से होगी। क्या बात, दोबारा भी होगी तो उसी से होगी। वेरी सेफ आंसर। आर यू श्योर? ये बात नहीं सर, कोई फ्रेश क्यों मुझे नहीं पता। चाचा भी देखिए आपके सवाल पे समझ है नहीं। मैं जनरली मैं हकीकतन 7-8 साल यहाँ हमने काम किया तो आप सब पता होगा। चलें, नहीं ऐसे नहीं फोन कर रहा है क्या कर? मैं एक ही मोहब्बत करता हूं। ऐसे नहीं छोड़ो। अगर कंगन नज्म भाभी के अलावा किसी और को डेडिकेट करनी हो, किसको करेंगे? अपनी माँ को करूँ। सुभान आपके शेर भी जो माँ के हवाले से बा कमाल है, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है। आप पहले आप बता दीजिए। ओके, कौन सा ऐसा गीत है जो आपने गाया किसी आर्टिस्ट के साथ एंड यू फेल्ट रिग्रेटेड कि यार नहीं गाना, या इसके साथ किसी और से करा लेता, किसी और के साथ? नहीं ऐसा कोई नहीं। अच्छा, सब सभी में मजा आया और जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने अपना हक अदा किया। अच्छा, जो जिनके साथ कोलैबोरेशन हो रही थी वो भी कमाल थे। तो अभी तक आपने जितने लोगों के साथ कोलैबोरेट किया यू आर सैटिस्फाइड? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल थी। कब आप आपसे पूछ लेते? जी जी। कब आपको लगता है कि यार ऐसा ठीक नहीं लगा? कभी लगा ऐसा किसी इवेंट में? हर शो में लगता है भाई। नहीं वो तो सारे सही लग रहे हैं। नहीं नहीं, ये शाह साहब बबू भाई बेहतर जानते होंगे इन चीजों को। आर्टिस्ट को पता होता है वो कहाँ क्या कर रहा है। भाई इस गेम में बहुत ज्यादा चीटिंग हो रही है, सब कुछ पॉजिटिव बात है। नहीं आई लव यू बोथ, आई लव यू बोथ, आई जस्ट फीलिंग लाइक। लेकिन हम अब सबसे डेयर कराएंगे, एक एक डेयर सारे करेंगे। स्टार्टिंग विद मेमुना भाई, अब ये पर्ची कैसे उठाएंगी, इस पजल को कौन सॉल्व? मैं इनकी हेल्प, आई डू द जॉब। थैंक यू वेरी मच। आप पर्ची उठाएं, जो इस पे लिखा होगा इजाजत है जी जी। ये इसमें एक ऐसा काम है, बड़ी अच्छी बात की जहन ने जी, कि आपको ना आप इसमें अपने आप से भी बेईमानी नहीं कर सकते। ये 2+2 है। एक मरतबा ए आर रहमान ने एक परफॉर्मेंस के दौरान एक सुर गलत लगाया तो जो उनके उस्ताद थे एलिया राजा, उन्होंने टोक दिया रहमान, और उस वक्त ए आर रहमान थे। वाओ, ये हो जाता है। और आप उसे इनकार इसलिए नहीं कर सकते कि ये 2+2 है, रिलेटिव टर्म नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एनजी लाना हूँ। नो, आपने गलत लगाया तो सारी दुनिया कहेगी ये गलत। और मेरे ख्याल में ये इस काम की बढ़ाई भी है, सुर का ऊपर नीचे हो जाना, लय का ऊपर नीचे हो जाना, ये इस काम की अजमत है। और उस्ताद कहते थे कि लाइव में मार्जिन होता है। जी जी जी, लाइव अगर आप गा रहे हैं या बजा रहे हैं तो उसमें मार्जिन है। आप कंप्यूटर तो नहीं ना कि फिक्स जी, लेकिन आपको पर्चियां पढ़नी नहीं चाहिए ना, पढ़ क्यों रहे? मैं पढ़नी नहीं है, उनको निकाल दी, पढ़े आप। चले जी, पढ़ो। स्टार्टिंग जी, फर्स्ट डेयर 10 इंटरनेशनल खिलाड़ियों के नाम बताएं जी। वाह वाह वाह।
सो एनी 10 इंटरनेशनल प्लेयर्स उनका ताल्लुक किसी भी फील्ड से नहीं, आपने पहले भी दूसरी उठाई है दस इंटरनेशनल प्लेयर्स के नाम बताएं, चाहे वो फुटबॉलर्स हो, चाहे रेसलर्स हो, याद करें चले आई मेक इट इजी फाइव ओके चले फाइव दे दे मेरा इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तानी सारी टीम इंटरनेशनल अल्लाह की कसम है पाकिस्तान इन्होंने पंजाब के नाम से बख्तर वगैरह कोई क्रिकेटर्स आपको याद हो कि नहीं पाकिस्तानी टीम के क्रिकेटर्स के नाम अफरीदी शुएब मलिक इंडियन में से धोनी है विराट कोहली है एक और बता दे शुएब अख्तर है छोटे टोपी लग रही ये तो वही निकल आई फिर आपने इसके अंदर डाल दी थी इंटरनेशनल प्लेयर्स के नाम बताएंगे मेरी बारी इसको आप ना पर्चियां बहुत है पाकिस्तान में आप उठाएं अल्लाह खैर मौला भी खैर दी होवे कोई पसंदीदा गजल सुनाएं सही आई है सही पर्ची आई है चलिए जी गजल सुन चलें जरा जरा सही पर्ची आई है करेंगे हां ने तेरा भी आ गई पसंदीदा गजल गजल मैं गाता नहीं हूं क्योंकि मेरा फॉर्मेट कुछ भी पसंदीदा सुना दें चलें गुलों में रंग भरे ये गजल है बादलों बहार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले दो पर्चियां उठाई सब दिखाइए पांच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताओ दैट्स इजी दैट्स इजी सो उधर भी देखिए ऐसे बताइए गिटार ड्रम ड्रम्स राइट फ्लूक ओके एक और क्या उधर देखिए उस तरफ भी देख लिए उधर इतने सारे पड़े हुए पियानो हां ठीक है 4 5 वन मोर जस्ट फिफ्थ वन अच्छा अगर आप वो बता देना जिसको आपने पियानो समझ के कहा है अच्छा इसको क्या कहते हैं उसका नाम ही पता इसका नहीं पता आपको आप मबला दें बोल देना हारमोनियम चले ओके गुड जॉब थोड़ी सी चीटिंग की है सारा ने हारमोनियम पे लेकिन कोई बात नहीं फोन अ फ्रेंड फोन अ फ्रेंड चले लाइफलाइन जी चलो जी ओह गॉश पसंदीदा शख्सियत को कॉपी करके दिखाएं ओह माय गॉड वाओ आई रियली लाइक दैट हां मैं आपको बताऊं यार ये मुश्किल काम है मैंने जो किया नहीं कभी मगर हमारे यहाँ अभी फैज साहब की उन्होंने वो पढ़ी ना फैज साहब बड़े बहुत ही डिफरेंट तरीके से गजल पढ़ते हैं अगर आप पुरानी चीज़ें देखें तो डायरेक्ट उस तरह से तो मेरी मतलब जो पसंदीदा शख्सियात है उनमें फैज साहब जी सुना मगर बिल्कुल जो पसंदीदा उनमें नहीं है जी जी तो जैसे फैज साहब की के अंदाज में अंदाज में हाँ वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे हम जीते जी मसरूफ रहे कुछ इश्क किया कुछ काम किया काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क को काम और इश्क पता नहीं क्या उड़ता रहा फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ा क्या बात है बहुत जबरदस्त जनाब उम्मीद है आपको हमारी हमारे ये ट्रूथ्स भी पसंद आए होंगे हमने कुछ निकलवाने की कोशिश की और ये डेयर्स भी पसंद आई होंगी एंड एवरीबॉडी हैज प्लेड रियली वेल हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद
दिल से खैर से ईद मुबारक। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे इस साथ को उतना ही इंजॉय कर रहे हैं जितना हम इन खूबसूरत से सितारों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। और इस हिस्से के अंदर भी हमने कोशिश की है, कोशिश क्या की है, यकीनी तौर पे की है, एक गेम हमने प्लान किया है। गेम इट्स अ स्मॉल गेम वैसे, ये आप वैसे सिलसिला कल भी देखेंगे, लेकिन आज के मेहमानों के लिए भी हमने कहा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कुछ करते हैं। तो बेसिकली जनाब गेम ऐसा है कि इसमें हम एक अदद पिक्चर आप सबको दिखाएंगे, आप सबने एक पिक्चर देखनी है और उस पिक्चर को 10 सेकेंड्स के अंदर आपने कोई भी एक मजे का कैप्शन देना है, जो भी लाइन आप स्पॉन्टेनियस होना चाहिए रिएक्शन, इस पे ज्यादा सोचने का हम आपको टाइम नहीं देंगे। तो आपने एक एक पिक्चर आपके सामने आती जाएगी और आप उस पे कोई कैप्शन बताएंगे। तो चले जी पहली पिक्चर दिखाते हैं। दिखाइए जी, चले मैमूना कैप्शन। कैप्शन देनी है, 10 सेकेंड है। टिक, टिक। मुझे बचाओ। अब अगली पिक्चर जी बबू राणा के लिए। बबू राणा के लिए वो कह रहे हैं मारवी। बबू भाई एक लाइन कैप्शन नहीं है ना जी। और बड़े ही नैश है तुम मरे। बहुत अच्छे यार। अच्छा जी नेक्स्ट पिक्चर जी सारा के लिए। एक्स प्रेसिडेंट साहब जी। हाँ जी गोलगप्पे खा रहे हैं। वन लाइन कैप्शन। वन लाइन वो कह रहे हैं कि मैं थक गया हूं, मुझे ब्रेक पे लेके जाओ गाड़ी वाले को। आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक, टेक मी फॉर अ ड्राइव। टेक मी फॉर अ ड्राइव। बस वसी शाह साहब के लिए चाय के सिप्स लेते हुए पिक्चर प्ले जी। हां देख रहे हैं कि हुकूमत अभी दूर है। वेरी नाइस, वेरी प्रिसाइज। ओके सरकार अभी दूर है। अब हम ज़ैन ज़ुहैब के लिए एक पिक्चर प्ले करेंगे। चलें जी। हेलो जी भाई। ओ माय गॉड गेंदा सक रही है। ये तो आपने फिर दो सालों की स्टाइल भी कह दिया। ये तस्वीर मेरे ब्यूरो की है। आपकी ब्यूरो की है? जी जी। अच्छा हमारे पास कोई और पिक्चर है तो वो भी चला। चले मैमूना के लिए चलाइए जी, एक और चलाइए। तेरी ऐसी की तैसी। दिस गुड। चले जी वसी शाह साहब के लिए एक और पिक्चर। शाह साहब के लिए। शाह साहब दोबारा कब मौका मिलेगा शाहरुख के साथ काम करने का? अच्छा है जालिमा जी। बबू भाई, बबू भाई परवेज खटक सर। वो कह रहा है मैंने एनजी केक ना बाहर कटे है। लास्ट पिक्चर के लिए, सारा के लिए लास्ट पिक्चर जी। सारा सारा मैंने तो सही बिठाई जी। सारा 10 सेकंड्स। वो कह रहा है इमरान खान तुम्हें रोका था ना। ये कह रहा है मुझे बाहर निकालो, लेकिन इतना खुश क्यों है फिर? वो खुश इसलिए हो रहा है। शाह साहब आपके सहन में क्या कैप्शन आ रहा है? अल्लाह ताला इनकी मुश्किलें आसान, मुश्किलें आसान। इसमें तो मुश्किल में बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ, दुआ दी है शाहसाब से कैप्शन बताइए। उनसे मैच नहीं हो रहा। हाँ, उनकी दुआ के साथ आप उनकी पिक्चर पे कैप्शन तो बता देंगे। नहीं वो तो सवाल सारा का था, मुझसे होता है। आप देते हैं जवाब। चलें जी, आई होप आपको ये गेम अच्छी लगी होगी। वंस अगेन क्लैपिंग फॉर एवरीवन। सबके लिए तालियां। वेरी वेल प्लेड, बहुत जबरदस्त भाई। हमने कोशिश की इन जवाब बात को, बाज़ का जवाब ऐसे होते हैं लोग ज्यादा दिल पे ले लेते हैं, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, तनकीद भी करना शुरू हो जाते हैं। जस्ट एकदम लाइट पाकिस्तानी हो, थोड़े से हल्के हो जाओ, सेंस ऑफ ह्यूमर भी थोड़ा सा, हां थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं ना। तो प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते हम वन लाइनर एक मैसेज मैमूना से पहले जरा मैसेज ले लेते हैं। मैमूना क्या कहेंगे आप? 30 सेकेंड्स, एनीथिंग अबाउट इट। ईद की खुशियाँ मनाइए अपने अपनों के साथ और एक दूसरे का ख्याल रखिए। जबरदस्त जबरदस्त। बबू राणा आप कुछ कहना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगा खुश रहें, खुश रखें लोगों नहीं, को नहीं कोई और गल करो ना। अच्छा? भी मेरी मदद करो। और मैं उनकी कह रहे मैं कल कोठे तो देखा गैस। मौला सलामत रखे, हंसते रहो, बसते रहो, तू लाही खैर इन्ना बड़ा। सारा कुछ कहना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि वी नीड टू बी टॉलरेंट एज अ सोसाइटी, अपने अंदर टॉलरेंस लाएं और वालदेन की अहमियत को पहचाने और उनके साथ उनकी जिंदगी में जितना टाइम हो सके गुजारें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इन द एंड शाह साहब हमारे साथ हों, यू नो डिस्पाइट ऑल द लाफ्टर्स, हम एंड पे अगर पोइट्री ना सुने जाते जाते तो ये भी फिर शो मुकम्मल नहीं होगा हमारा। शाह जी जाते जाते कुछ सच बताओ। कुरान की आयत का मफहूम है कि ये दुनिया बुनियादी तौर पर एक मकड़ी का जाला और फरेब है, उससे इस गज़ल की इंस्पिरेशन है। मगर बाद में जो शेर हैं वो दीगर मौजूआत पे, दुनिया फरेब थी हमें दुनिया फरेब था, दुनिया फरेब थी हमें दुनिया फरेब था, सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। वाह वाह। और जिस जिस को मैं
समझ न सका नेक था वो शख्स जिस जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स नेक था वो शख्स जिस जिसको मैं जरा सा भी समझा फरे क्या गया आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया मुद्दत के बाद उसका ये ताजा क्या कहने तू जानता नहीं है मेरे यार को अभी बबू शेर सुने तू जानता नहीं है जैन तू जानता नहीं है मेरे यार को अभी उसका तेरे फरेब में आना फरेब तू जानता नहीं है मेरे यार को अभी उसका तेरे फरेब में आना आना फरेब था और वो बाल गाल आंखें वो डिंपल वो तिल वो होंठ वो बाल गाल आंखें वो डिंपल वो तिल वो होंठ अरे कैसे तुझे बताएं कि क्या क्या चले जी हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ है लेकिन जाते जाते चूंकि अब जैन जुहेब हैं हम इनसे म्यूजिक भी सुनेंगे और हम इनको ऐसे जाने नहीं देंगे लेकिन मैसेज एंड में ईद की मुनासिबत से कुछ भी देना चाहें आप सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और अपना ख्याल रखें जो जो आपके अंडर काम कर रहे हैं प्लीज़ उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा क्योंकि अल्लाह ने अगर आपको किसी के रिज़्क का वसीला बनाया तो प्लीज़ आप उसका ख्याल रखें और सबको बहुत बहुत मुबारक इससे पहले थैंक यू वेरी मच इससे पहले कि हम इजाज़त चाहें हमारा भी यही पैगाम है आपके लिए उन लोगों का ख्याल रखिए जो डिज़र्व करते हैं हमसे कहीं ज़्यादा और अल्लाह हम सबके लिए आसानियाँ करेंगे बहुत अच्छे से गुजारी हम सिर्फ आज नहीं आएंगे कल भी आएंगे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे और अगर हमसे कोई कमी कोताही रहेगी हो तो फिर माफ़ कर दीजिएगा और ऑप्शन क्या है चलो जी हम इजाज़त लेंगे कल तक के लिए लेकिन चूंकि जैन जुहेब हमारे साथ मौजूद हैं हम आपसे एंड में रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ भी अता कीजिए मैनू इश्क हुला रे देंदा जी
सहारे देंदा जी। बुल्ला दूरों चल के आया जी, बुल्ला दूरों चल के आया जी, बुल्ला दूरों चल के आया जी, आया जी, आया जी, बुल्ला दूरों चल के आया जी, बुल्ला दूरों चल के आया जी। ओदी सूरत ने भर माया जी, ओदी सूरत ने भर माया जी, ओसे पाक जमाल विखाया जी, ओसे पाक जमाल विखाया जी। ओ एकदम एकदम ना बुरे दा जी, मैनू इश्क बुला दे देंदा जी, ओ एकदम ना बुरे दा जी। आ गया ईद का दिन, आ गया।